करने वास्ते। ये क्या चीज है भैया? ये लिफ्ट है। लिफ्ट है? हाँ। चला के दिखा दे। चलो ना, चल चला चला। ये नीचे करने के लिए अच्छा है। वाटर रिसोर्स वो होते हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है, जैसे कुआं हो गया और नल हो गया। और जब ये ग्लेशियर हमारे पहाड़ों की अच्छा लगा। हाँ, और जो 3% ही पानी पीने लायक है, 97% है जो वो खारा पानी होगा, वो पी नहीं सकते होगा, वो उसे फिल्टर कर लेते हैं। और ये 70% पानी मैं मॉडल ऑटोमेटिक खेलता है, जैसे कि कोई भी गाड़ी आएगी गाड़ी खोलती फिर भी चलती रहती है, ऐसा नहीं होने का। जब उसका गाड़ी आएगी तब ये रहेगी, किससे लगेगी वेस्ट नहीं, उसका वेस्ट नहीं जाती है, ऐसे वेस्ट नहीं होगी। जो गाड़ी आएगी तब ये रहेगी और ये सर्विस और जैसे गाड़ी जाएगी तो चलो भैया अच्छी लग रही है, अच्छा लग रही है। बाल कल की मेहनत खूब मेहनत करी है, खूब मेहनत कामयाब हो रही है भैया। इधर आओ इधर। ये क्या है बेटा? हमने ये मॉडल चार्ट पेपर कार्डबोर्ड पाइप बोतल की मदद से बनाया है। हमारे से बनाने का मकसद यही है, जैसे हम बता सकते हैं कि जो हमारी किडनी है और यूरिन सिस्टम जो होता है हमारा, वो कैसे वर्क करता है रियल लाइफ में।
तो जब हम पानी पीते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारी एसोफेगस यानी फूड पाइप के जरिए आर्टिकल्स के जरिए होते थे किडनी में आता है प्योरीफिकेशन के लिए, और जब किडनी को प्योरीफाई कर देते हैं पानी के अंदर जितने भी मिनरल्स और जो हेल्दी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे किडनी एब्जॉर्ब करके आर्टिकल्स के जरिए पूरी बॉडी को प्रोवाइड करवा देती है। और जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम यूरिन कहते हैं, जो किडनी पास आउट करवा देती है यूथ्रा के जरिए ब्लैडर को, और जो ब्लैडर है जब वो फुल हो जाता है तो हमारी बॉडी से यूरिन को पास आउट करवा देता है हमारी बॉडी को। और एक हेल्दी किडनी का साइज होता है ना वो 108 ग्राम से 200 ग्राम तक होता है। अच्छा लगा जैसे 3D मॉडल ऑफ हार्ट, ये हमारा दिल है, ये हमारे शरीर में मतलब ये होता है बीच में, लेकिन जो इसका ये पार्ट है ये राइट साइड होता है, इसे माना जाता है कि दिल हमारे राइट साइड होता है। मैम इसके 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर 2 टाइप के वाल्व्स होती हैं जो खुलती है बंद होती है। इंफीरियर सुपीरियर वेना कैवा होता है, इसके थ्रू ब्लड इसमें एंटर करता है राइट एट्रियम में, और जब बल्ब खुलता है यहाँ पे ट्रिकस्पिड बल्ब होता है जो खुलने के बाद राइट वेंट्रिकल में आता है, और इनके बीच में एक बल्ब होता है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बल्ब होता है उसका नाम है पल्मोनरी बल्ब। मैम जब ये लंग्स के पास ब्लड को भेज देता है हमारे फेफड़ों के पास, तो ऑक्सीनेशन जो खराब ब्लड है उसे प्योर ब्लड बनाकर, सिंपल भाषा में इम्प्योर और प्योर कहते हैं, प्योर ब्लड बनाकर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर ये एरोटाइज पूरी बॉडी में सप्लाई करता है ब्लड। हैव यू एनी क्वेश्चन? थैंक यू मैम। चलो वो जो वाले चलते हैं और पैसा ले रहे हैं। वीडियो बना लिया, खड़े आ रहा है।